आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपने प्रोटीज को अडीनो ऐड करनी है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोटीज यूज कर रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किए, तो आपको अडीनो उसमें नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है और आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अडीनो लाइब्रेरी की, वहाँ से जाके आप लाइब्रेरीज अडीनो की डाउनलोड कर दें, जिप फाइल है, उसको अनजिप करें और जब अनजिप करेंगे तो आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, अडीनो ओनो लाइब्रेरी फॉर प्रोटीज, इसको आप ओपन कर दें। यहाँ पर आपको दो फाइल मिलेंगे, इन दोनों को आपने कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आप वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर आपके पास प्रोटीज 7 जो है वो इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, वहाँ पर आप जाएंगे। और आप कैसे जाएंगे, आपके पास कहाँ इंस्टॉल्ड है, तो आपने इस तरह करना है कि आप प्रोटीज फाइल जहाँ पर भी आपके पास हो, मिसाल लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर है, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें और उसके बाद आप ओपन फाइल लोकेशन पे जाएं, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर है, तो उसके बाद इससे मैं वापस निकल के मेन फोल्डर में आ जाऊँगा, तो देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर है। उसके बाद आप इसके ऊपर लाइब्रेरीज में जाएंगे, उसको ओपन कर दें, और ओपन करने के बाद जो आपने यहाँ पर फाइल जो है अडीनो की, अडीनो लाइब्रेरी की जो फाइल्स हैं उनको आपने कॉपी किया है, और वहाँ पर जाकर इसको आपने लाइब्रेरीज में, यहाँ पर जाकर प्रोटीज की लाइब्रेरीज में जाके, प्रो लाइब्रेरी में जाके ओपन कर दें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता, मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आप जब प्रोटीज फाइल ओपन करेंगे, अगर आपके पास पहले से ओपन है, बाद में आपने लाइब्रेरी एड किया, तो इसको बंद कर दें और दोबारा ओपन कर दें। जब ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर कंपोनेंट मोड में आकर सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर भी अर्डिनो मिल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ से भी। आप देखिए सारा तमाम के तमाम अर्डिनो बोर्ड आपके पास अवेलेबल है मोस्टली। अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्च करें, देखें आपके पास अर्डिनो ओनो है, मेगा है, नैनो है, लेलीपैड है, ये तमाम के तमाम लाइब्रेरी। मैं इसकी लेट सपोज मैं अर्डिनो ओनो को डबल क्लिक करता हूँ और उसको यहाँ पर ले आता हूँ, तो देख सकते हैं आपके पास अर्डिनो आ गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 0 to 13 नंबर पिन है, ये तमाम के तमाम आप इसके साथ पिन कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेट का पिन है, ये भी एक्टिव है, और तमाम एनालॉग पिन जो है वो भी एक्टिव है। यहाँ पर 5 वोल्ट का है, यहाँ पर ग्राउंड का है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, इसको 5 वोल्ट लगा दें, इसको ग्राउंड किया करें। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट भी मिल जाएगा, ये यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल जाएगी और यहाँ पर आपको ग्राउंड मिल जाएगी, देख सकते हैं। इसी तरह आप कनेक्ट कर देंगे, अगर ये कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको एरर दे सकते हैं और मसला क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद जब आप कोड लिखेंगे और कोड लिखने के बाद उसका हेक्स फाइल क्रिएट कर देंगे, हेक्स फाइल यहाँ पर आपने पुट करना है। एडिट प्रॉपर्टीज भी जाएं, जब भी आप कोई प्रोग्राम इसके ऊपर रन करेंगे तो आप उसका हेक्स फाइल का एड्रेस यहाँ पर पेस्ट पुट कर देंगे। अगर आपके पास एड्रेस के अलावा फाइल कहीं पर पड़ी है तो ओपन कर दें, वहाँ पर जाएँ जहाँ आपके पास फाइल पड़ी है, उसको ओके कर दें और क्लिक कर दें, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आप रनिंग में हैं तो आप उसको एड्रेस जस्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें और उसके बाद ओके कर दें, तो जैसे ही इसको आप रन करेंगे तो काम करेगा। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो प्रोग्राम इसमें नहीं है तो आपको एरर दे रहा है, ठीक है, तो आपने इसमें प्रोग्राम ऐड करनी है। तो इसी तरह आप अर्डिनो को प्रोटीज में ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।